हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, रेलवे जेई भर्ती परीक्षा 3 अप्रैल 2018 में आपका आरआरबी सिकंदराबाद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आ गया है मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ में, जो 18 नवंबर से लेके आपका 29 नवंबर तक चलेगा। साथ में ब्लॉक डेट 2 दिसंबर को दिया है। अब कुछ लोगों का ये वीडियो बनाने का मेन ही एक ही पर्पस है। कुछ लोग कह रहे हैं डीबी में सीरियल नंबर दिया है तो क्या उससे हम मालूम कर ले कि मेरा मेन लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में है। या कहने का मतलब, अगर डायरेक्ट रूप में कहें तो यहाँ कहने का लोगों का ये मतलब है कि अगर डीबी लिस्ट में जो हमारी जितनी वैकेंसी है उतने हम कैंडिडेट का नाम पहले रख दें और उसके बाद वाले का बाद में रख दें तो क्या मेरा मेन लिस्ट में हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सही जवाब नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले लोगों ने बोला 789 पोस्ट है, अगर सीरियल नंबर का डीबी का सीरियल नंबर 789 से पहले मेरा है तो क्या मैं मेन लिस्ट में हूँ। ऐसा मैंने एलपी में देखा है, नहीं है। दूसरी लोगों की कमेंट आई थी कि यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो हमारा केवल एक चार्ट में केवल दिख रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 से लेके 55 तक या 60 तक कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट ये है, तो मैं अपना नंबर कैसे पता करूं। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 2 लिस्ट दिया हुआ है, एक में आपका डीबी सीरियल नंबर है और दूसरे में आपकी एक समरी है, तो दोनों को मैच करना पड़ेगा, यही डिटेल है। तो चलिए थोड़ी सी एक मिनट में ये काम हो जाएगा, तो वेबसाइट पे आइएगा। तो वेबसाइट पे आइएगा सिकंदराबाद में रिजल्ट सेक्शन में, जहाँ पे देखिए 2 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, 4 तारीख के डेट में ही है। एक में आपका डीबी सीरियल नंबर 1284 है, तो नीचे वाला से आपको सीरियल नंबर मिलेगा और ऊपर वाला से आपको मिलेगा किस दिन है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले मैं एक दिखा देता हूँ, तो पहला ये डीबी सीरियल नंबर वाला है, इससे आपको पता करना है कि आपका डीबी का सीरियल नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का 45 है, तो ये कैंडिडेट अपना देखेंगे रोल नंबर, ये मेरा है, ये पहले अपने रोल नंबर देखेंगे, नाम देखेंगे और ये 45 नंबर देखेंगे, उसके बाद इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी। उसी तरह दूसरे कैंडिडेट का देखिए, यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट अपना देखता है कि रोल नंबर ये है अजय के नाम से और ये 447 है, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे कब होगा, तो इसके लिए आपको ये दूसरी लिस्ट वाली ओपन करनी पड़ेगी। इस लिस्ट में जो कैंडिडेट का पहले 46 नंबर था, ध्यान दीजिएगा, तो 46 किसके 1 से 60 के बीच में आता है। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 नवंबर की है, टाइम 9:30 पर रिपोर्ट करना है, जिसमें 60 कैंडिडेटों को बुलाया है। उसी तरह 400 प्लस वाले कैंडिडेट का नाम यहाँ आएगा, या जिसमें हो आप इस तरह से देख लेंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे आगे की तरफ आपका बढ़ते जाएगा 29 तारीख का, और ब्लॉक डेट आपको 12 तारीख का है, तो पैनल इसके बाद ही आएगा। इस ब्लॉक डेट से पहले कोई पैनल नहीं आएगा, इसके बाद ही आएगा। प्लस में आपका ये डिटेल है। कुछ लोगों का एक और क्वायरी आया था जो थोड़ी सी थी, मुझे उस पर संभावना कम ही लग रही है कि ज़्यादा लोगों की होगी क्वायरी, कुछ ही का था, जिसने बोला कि इसमें कुछ कोड दिया हुआ है। जैसे कोड का है, डीबी सीरियल नंबर से तो आपका कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरिट नहीं है, ये मेरिट का नहीं है, ये अलग अलग रैंडम दिया हुआ है कम्युनिटी बाई या कोई और तरीके से लॉजिकल रूप से आरआरबी ने दे रखा है, मेरिट और वेटिंग लिस्ट के हिसाब से नहीं है। उसके साथ अगर यहाँ बात करेंगे तो कुछ लोगों ने बोला कि इसमें अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो थोड़ी सी क्लियरिटी दिया हुआ है, क्या मैं इसको सही मान सकता हूँ क्या। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, अगर एक मैं मान लूँ तो देखिए 300 नंबर पे दिया हुआ कैंडिडेट है 28, 38, 28, 11, तो 11 कोड UR का है क्या, 12 कोड SC का है क्या, 13 कोड ST का है क्या, और 14 कोड आपका OBC का है क्या, या 13 OBC का और 14 ST का है क्या। इस तरह से कुछ सीरियल नंबर बढ़ते गया है, हालांकि इसमें आप देखेंगे तो टोटल देखेंगे तो कुछ कुछ वैकेंसी के टर्म में मैच कर रही है, कुछ नहीं मैच कर रही है, तो इस पे ज़्यादा पैत करने से अंतर नहीं पड़ेगा। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, यही बेटर है, क्योंकि अभी इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है। कुछ लोगों का तीसरा कॉमेंट आया था कि कोलकाता का फेल हो गया बाकी आरआरबी में, तो दोस्त आरआरबी अपने हिसाब से लिस्ट बनाती है, उस लिस्ट में अगर आपको हिंट मिलता है तो हो सकता है वो सही है, और नहीं मिलता है तो आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही देखना पड़ेगा, इसके लिए तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो ये था पूरा डिटेल, तो पूरा डिटेल आप देखेंगे तो पूरा लिस्ट आ गया है। PWD कैंडिडेट का यहाँ सीरियल नंबर 12 से 14 से है, 1214 से लेके 1200
नीचे की तरफ आप आएंगे 1214 से लेके कितने तक है 1234 तक में, या कहें कि 11 से लेके 13 तक में, यानी टोटल 21 कैंडिडेट PWBD के हैं, जो सीरियल नंबर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला सा दिख जाएगा यहाँ पे। तो PWD का दो दो कैंडिडेट को डेली बुलाया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से इनका लिस्ट दे दिया है। 1214 से लेके 1234 तक 21 कैंडिडेट को दो दो लोग पर डे बुलाया है इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो हो सकता है सारे आपकी क्वायरी क्लियर हो गई, यानी इसे सीरियल नंबर से नहीं समझिए कि मेरा मेन में है या वेटिंग में है। दूसरा कैटेगरी वाला भी क्लियर नहीं हो रहा है। और तीसरा, यहाँ पे अगर आप जानना चाहेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखें, तो दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा, पहले आपका सीरियल नंबर DB का, उसके बाद इसमें समरी में मिला लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।